हेलो दोस्तों, नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लेटेस्ट जानकारी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज की जानकारी जो है वो सारा के अकॉर्डिंग ही है। तो आज बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में सुब्रत राव के खिलाफ हमारा एक वारंट जारी हो चुका है, जिसमें एक विधवा ने पूर्ण भुगतान न होने पर एक FIR कर दी, जिस पे हमारे सुब्रत सारा पे एक वारंट जारी हो गया है। और इसका वाक्या यह है, ये वाक्या हमारा नवाडा ज़िला जो गुप्ता फोरम ने जारी किया हुआ है। इस केस में सुब्रत राय के साथ सारा बैंक के मैनेजर, जो सेक्टर मैनेजर थे हमारे नवाडा और रीजनल वर्कर रीजनल कार्यालय बिहार शरीफ के विरुद्ध भी वारंट जारी किया गया है। आरोप है कि सारा इंडिया बैंक ने जमाकर्ताओं को तय समय पर राशि का भुगतान नहीं किया हुआ है। तो जो हमारे सारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ बिहार में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, उस वारंट ये जो वारंट नवादा जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किया हुआ है। इसमें ये उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने इन्वेस्टर से अपने पेमेंट्स लिए हुए थे वो उनको समय पर भुगतान नहीं किया गया है। तो इसी कड़ी में एक वाक्या एक अलग आया हुआ है, जिसमें कि एक महिला ने इनके विरुद्ध वारंट जारी करवाया है। तो वाक्या क्या है कि जो हमारे एक वहाँ की रहने वाली महिला है बिहार की, जिनका नाम पूनम सिन्हा है, उन्होंने वाद दायर करके कहा है कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सारा इंडिया परिवार में करीब 12 लाख रुपये जमा किए थे और यह राशि ब्याज के साथ 1 जून 2019 को सारा इंडिया परिवार की तरफ से मिलनी थी। मतलब जो हमारा पेमेंट जमा हुआ था वो 12.5 लाख रुपए का था और जो कि 1 जून 2019 को ये पेमेंट उनको वापस होनी थी। इसी दौरान पूनम सिन्हा के जो पति जो हमारे निर्मल कुमार सिन्हा थे उनकी डेथ हो गई। इस पर पूनम ने पति की ओर से जमा राशि ब्याज के साथ पाने के लिए सारा इंडिया परिवार की शाखा में अर्जी दी। इस पर बैंक ने रकम लौटाने के बजाय सलाह दी कि वह इस राशि को बैंक की दूसरी स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाए या ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पूनम ने बैंक को बताया कि पति की जो हमारी डेथ हो गई है तो उसके बाद मेरे को घर चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है, ताकि मैं उन पैसों से अपने घर को चला सकूं, अपने बेटे बहू जो भी चीज़ें हैं उनको हम अपने साथ रख के उसका निर्वाह कर सकूँ। इसलिए वो इस रकम को इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक से निकाल के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना चाहती है। इस पर बैंक के कर्मचारियों का रुख बदल गया और वो नियम कायदे समझाकर रुपयों को भुगतान करने से मना करने लगे। परेशान होकर पूनम सिन्हा ने सारा इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में एक वाद दायर कर दिया कि जो इन्वेस्टर का पेमेंट है उन्होंने लौटाने से मना कर दिया। तो इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष जो हमारे अमर ज्योति श्रीवास्तव जो थे और जो उनके सदस्य थे, तो पूनम शर्मा ने 3 फरवरी 2021 को आदेश पारित करते हुए 11% ब्याज के साथ जमा राशि को जो हमारी 12.04 लाख रुपए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और वाद खर्च के रूप में 20,000 रुपए भी भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम का आदेश होने के बाद भी आज तक सारा इंडिया परिवार से पूनम सिन्हा को राशि नहीं लौटाई गई है, जबकि वहाँ पे उपभोक्ता फोरम ने इनको ब्याज सहित पैसा वापस लौटाने को बोल दिया है और 20,000 रुपये इनका मानहानि का दावा करने के लिए भी उसमें इंक्लूडेड है। तो राशि जो है वो सारा इंडिया से अभी पूनम सिन्हा को नहीं मिल पाई है, जिसके बाद आयोग ने आदेश को अवेलना को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के SSP को गिरफ्तारी वारंट भेजते हुए सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में पीड़ित जो पूनम सिन्हा का कहना है कि उन्हें इस वक्त जब पैसों की सख्त ज़रूरत है तो और सारा बैंक उन्हें परेशान कर रहा है, जब तक रकम की पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती रहेगी। हालांकि मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं करीब करीब हमें हर सिटी में देखने को मिल रही हैं, इसमें गरीब लोगों का पैसा भी बहुत लगा हुआ है और उनको जब पेमेंट की ज़रूरत है आज ज़रूरत है तो उनको वो पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे केसों में तो पेमेंट को तुरंत करवाना चाहिए, लेकिन कोर्ट के या उपभोक्ता फोरम के आदेश के बावजूद भी लोगों को पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि उपभोक्ता कोर्ट उनकी रकम को उन्हें वापस दिला देगा
और जो यहाँ बता दें कि सारा इंडिया के जो चेयरमैन सुब्रत सारा हैं, वो पहले से वाणिज्यिक कई मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। इसी मुकदमों में सुब्रत लंबे समय तक जेल में भी बंद रह चुके हैं। फिलहाल सुब्रत इस समय जमानत पे पैरोल पे रिहा हैं। तो इस तरह दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएँ हमारे साथ घट रही हैं और इन्वेस्टर बहुत इसमें परेशान हो रहा है। चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें अपने सारा इंडिया परिवार के ऑफिसर्स की, तो सारा इंडिया के परिवार के जो भी ऑफिसेज हैं जहाँ पे सिटी में हैं, आज भी वो खुल रहे हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। आज भी लोगों को अगर बात करें तो सारा पे इतना फेथ है कि आज भी हमारा पेमेंट जमा हो रहा है। और इन्वेस्टर को चूँकि अब यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी रकम यहाँ पर जमा हो रही है तो वो FD पे नहीं है, RD पे नहीं है, MIS पे नहीं है, बल्कि वो डेली डिपॉजिट स्कीम पे चल रही हैं। डेली डिपॉजिट स्कीम के तहत होता यह है कि डेली हमको कलेक्शन मिलता है और उस कलेक्शन को हम अपने जो भी चीज़ें होती हैं उसको सर्कुलेट करते हैं और जो रकम हमारी निकलती है उससे डेली वेजेस जो भी अकाउंट चल रहे उनको वापस भी कर दी जाती है। मतलब कि मैच्योरिटी जिनकी होती है तो उनको मैच्योरिटी का पेमेंट भी दे दिया जाता है। के रुके हुए हैं करीब, अगर बात करें तो 8 साल या 9 साल हमारे धीरे धीरे बीतने को आ गए हैं और इन्वेस्टर के पेमेंट डंप पड़े हुए हैं। तो उन पेमेंटों को अगर शुरू कर दिया जाए तो बहुत अच्छी खासी सारा श्री को राहत मिल सकती है, ताकि वो और भी अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बात अगर हम ये करते चलें कि ये सब चीज़ें होती तो दिख रही हैं, लेकिन कोई भी अभी वर्बली सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी भी कोई भी चीज़ें इनकी हमें पटरी पे आते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोगों ने अगर इनको समय दिया, यहाँ आपने 9 साल आपने अगर समय दिया है कंपनी को, तो मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा समय आप और भी दे दें, ताकि ये इन्होंने जो भी बोला हुआ है कि हम नवंबर दिसंबर में अपने पेमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। जहाँ इतना टाइम हम लोगों ने वेट किया है तो थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं, ताकि हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में हम लोग के पेमेंट्स स्टार्ट होने शुरू हो जाएँ। हालाँकि ये अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को मैं पेमेंट दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सेबी का बीच में दखलंदाजी ज़रूर हो जाती है कि किस तरीके से हम पेमेंट्स को वहाँ पे लौटाएंगे, किस तरीके से पेमेंट्स को करेंगे। लेकिन अब ये तो आने वाले समय पे ही मालूम हो पाएगा कि नई जानकारी जो भी आएगी मैं आप लोगों को उसको देता रहूँगा। अभी तक तो बस केवल इतना ही आ रहा है कि जो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई हमारे खाते सीज हैं और अभी उसको परमिशन नहीं मिल पा रही है, उसको हमें आगे मिल जाएगी तो हम नवंबर दिसंबर में अपने पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। इन्होंने खुद ही इस इंटरव्यू को खुद सारा समय पे प्रसारित करवाया था। तो अब हमें आगे देखना ये है कि हम लोग के पेमेंट किस तरीके से, किस रूप में हम लोग को मिलते हैं और कितने इन्वेस्टरों के पेमेंट हमें मिल जाते हैं और कितनों के भी रुकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नई जानकारी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।